ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ICICI बैंक भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ICICI बैंक है, यानी कि जो भर्ती निकाली है ये इस बैंक के द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम प्रोबेशनरी ऑफिसर की है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PO बोलते हैं। जॉब टाइप बैंक जॉब्स है। ये जो भर्ती बैंक जॉब्स के अंतर्गत आती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडियन कैंडिडेट्स, यानी कि इस भर्ती में ऑल इंडियन कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो इंडिया की, आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हो। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया के अंदर होगी, और ऑल इंडिया से, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। एक्सपीरियंस नील, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस भर्ती की यही है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक भी साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यानी कि आप विदाउट एक्सपीरियंस भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपके पास किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट की योग्यता है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें कोई स्ट्रीम मेंशन नहीं की गई है कि आपको इसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपके पास बस ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की योग्यता हो। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। इसका मतलब यह होता है कि जो मैंने आपको कैटेगरी वाइज एज लिमिट के बारे में बताया, तो आपकी उम्र इस उम्र से लेकर इस उम्र के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे। सैलरी, यानी कि आप जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको सैलरी के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे, तो दोस्तों आपको 28,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे सैलरी के रूप में। एप्लीकेशन फ़ी नील, यानी कि आपसे इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स के कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगी गई है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स इसमें फ्री में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपका बाद में होगा, पहले आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि जो लोग मेरिट को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका, उसके बाद फिर रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी कि पहले आपकी मेरिट लगेगी, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे उनका रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों, अप्लाई डेट्स, अभी मैं आपको इसकी मेन जानकारी ये बता दूँ कि इसमें कोई भी डेट्स नहीं बताई गई है कि कब से आप इसमें कब तक आवेदन कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें अभी आवेदन हो रहे हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अप्लाई कैसे कर पाओगे। दोस्तों, मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि है ICICI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, और आप यहाँ पर इस भर्ती के बारे में जानकारी देख पा रहे होगे। यहाँ पर दिया गया है जॉब डिटेल्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर, और मैं आपको यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताता हूँ कि ये भर्ती किस चीज़ के लिए निकाली गई है। तो मैं आपको यहां से पढ़ करके बता रहा हूं। दी प्रोबेशनरी ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्स टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट हु विश टू परस्यू ए करियर इन बैंकिंग, यानी कि जो पोस्ट निकाली गई है ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और जो लोग बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए भर्ती निकाली गई है। इट इज़ ए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन टू डेवलप ए पूल ऑफ फर्स्ट लेवल मैनेजर, यानी कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, जो कि डेवलप ए पूल ऑफ फर्स्ट लेवल मैनेजर के लिए मतलब कराई जा रही है। विद बैंकिंग नॉलेज और रिक्वायर्ड स्किल टेस्ट, यानी कि बैंकिंग नॉलेज के साथ में। अब यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी दिया गया है। टर्म वन फर्स्ट है, वह है 4 मंथ की, जिसमें आपको क्लासरूम ट्रेनिंग एट IIM बेंगलुरु के अंदर दी जाएगी। टर्म टू में आपको 2 मंथ्स की ट्रेनिंग इंटर्नशिप एट ICICI बैंक में दी जाएगी। टर्म थ्री में आपको 2 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग एट IIM बेंगलुरु के अंदर दी जाएगी, और टर्म फोर के अंदर आपको 4 मंथ ऑन द टॉप ट्रेनिंग एट द ICICI बैंक, यानी कि ICICI के बैंक के अंदर आपको दी जाएगी। कुल मिलाकर के जो आपके मंथ है 4, 2, 6, 2, 8 और 4, 12, यानी कि आपके 1 साल की ट्रेनिंग होगी। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताया है। ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स इन एंड डिसिप्लिन, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन की योग्यता है उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप कंप्लीटली एलिजिबल होगे इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको ही अगले प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर लोकेशन देख पा रहे होगे, और मिनिमम एक्सपीरियंस 0 है और
मैक्सिमम एक्सपीरियंस भी जीरो है, यानी कि इसमें आपसे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई हर, आपको अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा न्यू यूजर के सामने, आपको इसके अंदर अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप न्यू अकाउंट बना लोगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर भर करके ओपन कर देना है, यानी कि वेबसाइट में ओपन हो जाना है। और जैसे ही आप दोबारा उस लिंक पर क्लिक करोगे अप्लाई हियर पर, तो आपके सामने इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देनी है जो कि वहाँ पर आपसे मांगी गई हो। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ICICI बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई फॉर्म भरते समय या कोई जानकारी समझने में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही अगर आपको कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले।